तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। और पहले तो आप सभी को सावन के इस पावन मास की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि महादेव का ये बहुत ही खास महीना होता है और अब के तो सावन बहुत लंबा है। और चलिए आज हम आपको अपने रायबरेली के बहुत ही प्रसिद्ध पावन मंदिर श्री जगमोहनेश्वर धाम के दर्शन कराते हैं, क्योंकि सावन में महादेव के दर्शन करा देते हैं आप लोग को। कुछ लोग जो नहीं जा सकते होंगे मंदिर, घर बैठे वो दर्शन कर लें, तो इसीलिए हमारे दिमाग में ये आइडिया आया। चलिए अभी आपको हम दर्शन कराते हैं महादेव के, यानी श्री जगमोहनेश्वर चंदापुर धाम के। दोस्तों आपको मंदिर में चढ़ावे का सामान भी मिल जाएगा, बेलपत्र वगैरह। फिलहाल अभी हम मंदिर परिसर में आ गए हैं, चलिए अब आपको आगे के सीन्स दिखाते हैं। और आज कुछ खास डेकोरेशन करी गई है, देखिए वीडियो के सीन में। दोस्तों आपको बता दें कि सावन के सोमवार पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, सुबह 4 बजे से ही लाइन लग जाती है और पूरा दिन भर यहाँ पे भगवान का अभिषेक हुआ करता है। और आज हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे आरती वगैरह कैसे होती है सावन में। और सावन के सोमवार में अगर आपको रुद्राभिषेक वगैरह करवाना हो तो यहाँ आप मंदिर परिसर में संपर्क कर सकते हैं आके। तो दोस्तों भगवान की महाआरती शुरू हो गई है और देखिए काफ़ी भीड़ हो गई। चलिए अब आपको महाआरती दिखाते हैं और बारिश भी शुरू हो गई यहाँ पर। Thank you.
तो दोस्तों आरती समाप्त हो गई और प्रसाद का वितरण हो रहा है। इसी के साथ अब हम भी लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।